हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अव विद ब्यूटी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपने स्किन का ख्याल हम सर्दियों में कैसे रखें बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके। आज का डीआईवाई बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको अपना फेस जो है फेस वॉश से साफ़ कर लेना है, या फिर सबसे अच्छी टेक्निक है कि रॉ मिल्क में आप कॉटन पैड भिगो के अपना फेस पूरा साफ़ कर देते हैं। मैंने फेस वॉश यहाँ पे कर लिया है। अब आ रहा है ये डाबर का। थोड़ा सा हनी और अब इसमें हमें ऐड कर फिर हम यूज़ करेंगे वाइल्ड टर्मरिक। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप नॉर्मल टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हैं। लेंगे 2 पिंच इसमें वाइल्ड टर्मरिक और अब इसका पेस्ट बना लेंगे। आप इसे ढेर सारा बना करके स्टोर भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते का आप स्टोर करके रख लीजिए। हालांकि हनी ख़राब नहीं होता है, लेकिन इसमें टर्मरिक मिक्स हो गया है तो ज़्यादा दिन के लिए आपको नहीं रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना फेस जो है फेस वॉश से साफ़ कर लेना है, या फिर सबसे अच्छी टेक्निक है कि रॉ मिल्क में आप कॉटन पैड भिगो के अपना फेस पूरा साफ़ कर देते हैं। मैंने फेस वॉश यहाँ पर कर लिया है। अब आते हैं, फेस मसाजर हमारा है पूरी तरीके से तैयार। अब इसे अप्लाई करते हैं। जेंटली हाथ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका फेस जो है थोड़ा थोड़ा गीला ही हो, क्योंकि ये हनी है थोड़ी स्टिकी होती है तो आपके फेस पे जल्दी फैलेगी नहीं। स्किन ब्राइटनिंग के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको एक डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपका हाथ हल्का सा गीला करके पूरे फेस पे इसको जेंटली मसाज करते रहना है, अराउंड 2 मिनट। नॉर्मल पानी से मैंने इसे धुल दिया है, ऑलरेडी ग्लो आना स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम फेस मास्क पे। उसके लिए लेते हैं हम थोड़ा सा दही, नॉर्मल कोई सा भी दही, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी। हनी आपके स्किन को टाइट रखता है, सर्दियों में बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा फेस मास्क भी रेडी हो गया है। हम नॉर्मल ब्रश से या हाथ से इसको अपने फेस पे अच्छे से एक थिन लेयर लगा लेंगे। एक्चुअली मेरी दही में पानी थोड़ा ज़्यादा था, आप थिक दही ले सकते हो, इनफैक्ट थिक ही दही लेना, मेरे यहाँ यही अवेलेबल था। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है। दही हमेशा से विटामिन सी का सोर्स रहा है और आपके फेस को ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ ये प्रोवाइड करता है, इसलिए ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छा हाइड्रेटेड भी ये रखता है स्किन को। 2 मिनट रखने के बाद इसको आपको नॉर्मल पानी से धुल देना है। तो नॉर्मल पानी से अब धुल दिया है। अब आते हैं सीरम पे। सीरम बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी पिक कर सकते हो, लेकिन ये सीरम है टोटली घर में बना हुआ, बिना सल्फेट, बिना किसी हार्मफुल केमिकल के। हम लेते हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आप कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, फिगारो, ये मैंने डेलमोंटो का लिया हुआ है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। और अब इसमें ऐड करते हैं हनी। इसको आप सीरम के बॉटल में स्टोर करके रख सकते हो और रात में आपको 2 से 3 ड्रॉप लगा के इसको छोड़ देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा सीरम जो है रेडी है। आप इसे छोटी सी डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनी बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है, बस इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड है, इसलिए आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की क्वांटिटी जो है आप स्टोर करके रखो। 1 या 2 ड्रॉप के हिसाब से इसको आपको लेना है। मैंने बस टिप से ले लिया है थोड़ा सा, और इसको आपको पूरे फेस पे हल्का हल्का जेंटली मसाज करते रहना है। आपको ऑयल की कंसिस्टेंसी इतनी लेनी है कि जो हनी है उसके स्टिकनेस थोड़ा सा
ऐसी हो जाए कि आपके चेहरे पे वो लेयर बना के चारों तरफ से आपकी फेस को कवर कर ले। इसको धुलना नहीं है, इसको रात भर के लिए छोड़ देना है, सुबह नॉर्मल पानी से आपको धुल देना है। फिर आप देखिएगा आपके चेहरे का जो ग्लो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता। सो नाउ वी आर डन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फेसबुक और इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।